गुड मॉर्निंग। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते हुए आज पौद्दार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से 12th क्लास की ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट की जा रही है, तो सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेज का लाभ उठाएं और अपने अध्ययन को बाधित न होने दें। मैं परशुराम सैनी आपको केमिस्ट्री का अध्ययन कराऊंगा, तो सारे चैप्टर्स को एक एक करके क्लियर करना है। जब तक कि स्कूल ऑफलाइन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं हो जाए, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो देखते हैं। तो आइए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 2, जिसका नाम है सॉल्यूशन यानी कि विलयन। ठीक है, तो हम देखेंगे सॉल्यूशन के बारे में क्या होता है, कैसे बनता है, और इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी हम स्टडी करने वाले हैं। तो पहले मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूं कि इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं कि वो पॉइंट्स हमें सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने हैं। तो सबसे पहला यहां पर हम पढ़ेंगे परिचय कि विलयन जो है क्या होता है, कैसे बनता है। दूसरा हम इसके बाद यहां पे पढ़ेंगे सांद्रता क्या होती है, किस तरह से उत्पन्न होती है। तीसरा पॉइंट हम यहां पर पढ़ने वाले हैं सांद्रता के बाद विलेयता, और विलेयता जो है ये दो प्रकार की होती है, इसको दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो होती है ठोस की द्रव में विलेयता, ठोस की द्रव में विलेयता, ठीक है, और दूसरी जो है गैस की द्रव में विलेयता, ठीक है, गैस की द्रव में विलेयता, ठीक। विलेयता के बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हम देखेंगे अणुसंघ गुणधर्म। और ये जो अणुसंघ गुणधर्म है ये चार प्रकार के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं वो हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा बता देता हूं कि जो चार प्रकार हैं वो कौन कौन से। सबसे पहला जो प्रकार हम पढ़ते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। उसके बाद जो सेकंड आता है वो होता है आपका क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा जो आता है सी पॉइंट, तीसरा अनुसंघ गुणधर्म है, वो हम कहते हैं हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। और लास्ट एंड फाइनल चौथा अनुसंग गुणधर्म होता है ऑस्मेटिक प्रेशर, जिसको हम पाई के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, परासरण दाब। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलेंगे तो अगला टॉपिक अनुसंग गुणधर्म के बाद आता है एबनॉर्मल मोलर मास, असामान्य मोलर द्रव्यमान। नेक्स्ट पॉइंट पांचवा,
असामान्य मोलर द्रव्यमान। और इस असामान्य मोलर द्रव्यमान को समझाया वॉन्टॉप ने, वैज्ञानिक का नाम है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वॉन्टॉप गुणांक, वॉन्टॉप गुणांक। ठीक, नेक्स्ट आदर्श व अनादर्श विलयन। ठीक है, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे आदर्श अनादर्श के बाद स्थिर क्वाथी मिश्रण एजियोट्रॉप्स, स्थिर क्वाथी मिश्रण ये क्या होते हैं, ये पूरा विस्तार से आगे हम पढ़ेंगे वन बाय वन, एक एक करके। तो इस तरह से एक दो पॉइंट्स और हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण के बाद हम पढ़ेंगे यहां पे द्रवीय वाष्प दाब, वाष्प दाब। तो जैसा कि आपने देखा ये आठ नौ पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के अंदर, जिनको वन बाय वन पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब हम इसको एक एक को देखते हैं कि ये जो चैप्टर्स के अंदर टॉपिक हैं क्या क्या है। ठीक, तो मैं रफ कर देता हूं इसको। और ये जो चैप्टर है आपके जो आरबीएससी एग्जाम होता है फाइनल, उसमें तीन नंबर का आता है, जिसमें से एक न्यूमेरिकल आता है एक नंबर का, और बाकी दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होता क्या है, ये होता क्या है। तो विलयन जो है वो दो घटकों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हम पहला कहते हैं विलय और दूसरा होता है विलायक। कौन सा होता है? विलायक। ठीक है, ये दो घटक हैं, एक विलय है एक विलायक है। इन दोनों के मिलने से ही क्या बना है? विलयन बना हुआ है, सॉल्यूशन जिसको हम कह रहे हैं। अब जो सामान्यतः जो मेनली माना जाता है उसमें ये होता है कि विलय जो है वो कम मात्रा में होता है और विलायक अधिक मात्रा में होता है। तो इन दोनों से क्या बन गया? विलयन बन गया। और विलयन जो बना है वो कैसा होना चाहिए? वो समांगी मिश्रण होना चाहिए। यहां पर मैं लिख देता हूं समांगी मिश्रण। अब ये क्या होता है? समांगी मिश्रण से मतलब होता है वह विलयन जिसमें एक प्रावस्था उपस्थित होती है। कितनी? एक प्रावस्था, यानी विलय को विलायक के साथ मिलाने पर समांगी मिश्रण बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। डेफिनेशन आ गई हमारे पास, सीधी सिंपल डेफिनेशन है कि विलय व विलायक को मिलाने से प्राप्त समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन। ठीक है, क्लियर है सबको? अब जो ये डेफिनेशन आ गई, सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूं यहां पर, विलय व विलायक को मिलाने पर प्राप्त समांगी मिश्रण, प्राप्त समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। क्लियर सबको डेफिनेशन? ठीक, विलय व विलायक को मिलाने पर प्राप्त समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, तो मस्ट कंडीशन क्या हो गई कि जो मिश्रण है वो समांगी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समांगी, यानी उसमें एक प्रावस्था होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने यहां पर कहा समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल, तो हमने कहा जैसे शक्कर को पानी में घोल दिया, यानी शक्कर का जलीय विलयन, शक्कर का जलीय विलयन।
एक एग्जाम्पल हो गया समांगी मिश्रण का, क्या हो गया समांगी मिश्रण का एक एग्जाम्पल हो गया कि शक्कर का जलीय विलयन जो है वो एक समांगी मिश्रण, ठीक है। अब इसके अंदर हम कहें कि विलेय क्या है, विलायक क्या है, तो देखो यहां पर इसके अंदर क्या है, हम कहेंगे कि इस शक्कर के जलीय विलयन में जो शक्कर है ये तो क्या हो गई, विलेय पदार्थ हो गया आपका, ठीक है। और दूसरा जो इसमें विलायक है यानी कि पानी जो हमने लिया हुआ है H2O, ये क्या है, विलायक का कार्य करेगा यहां पर, क्या करेगा, विलायक का कार्य करेगा, यानी कि शक्कर विलेय हो गया और पानी जो है विलायक हो गया, और शक्कर को जब पानी में घोल दिया तो उसका जो जलीय विलयन बना है वो एक समांगी मिश्रण है जिसको हम विलयन कह रहे हैं, ठीक है। दोनों को मिलाने से क्या बन गया, समांगी मिश्रण बन गया जिसको विलयन कह रहे हैं, क्योंकि शक्कर का जो जलीय विलयन होता है उसके अंदर कहीं अवस्था दो होती है, एक ही प्रावस्था होती है, चाहे आप पूरे विलयन में किसी भी बिंदु पर टेस्ट करें, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले विलयन की डेफिनेशन आ गई, क्या होती है, ये लिखी हुई है, मैंने आपको बताया विलेय व विलायक को मिलाने पर प्राप्त समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। नीचे हमने एग्जाम्पल देखा शक्कर का जलीय विलयन जिसमें शक्कर जो है विलेय यानी कम मात्रा में और जल जो है यानी पानी वो विलायक का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो विलायक का कार्य कर रहा है तो इन दोनों को मिलाएंगे तो एक समांगी मिश्रण बनेगा जो कि विलयन कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल आप इसके साथ ये ले सकते हो, नमक का जलीय विलयन या नमक का घोल, नमक को पानी में घोला तो नमक क्या करेगा, विलेय का काम करेगा और जो पानी है वो विलायक का कार्य करेगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट ये हमारा हो गया विलयन क्या है, कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कम मात्रा में होता है, कौन अधिक होता है, समांगी क्या होता है और एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब इसके अंदर एक और होता है समांगी मिश्रण के साथ साथ, मैं बता देता हूं यहीं पे, विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण से क्या मतलब है, विषमांगी मिश्रण से मतलब है कि यदि विलयन में या ऐसा विलयन जिसमें एक से अधिक प्रावस्थाएं उपस्थित होती हैं विषमांगी मिश्रण कहलाता है, क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। और यहां पर हमारा जो फोकस रहेगा इस चैप्टर में वो समांगी मिश्रण यानी कि ट्रू सॉल्यूशंस पर होगा, सत्य विलयन जिनको हम कहते हैं, सत्य विलयन, इन पर हमारा मेन फोकस रहेगा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और इसके बाद नेक्स्ट अगला हम देखते हैं सांद्रता क्या होती है और कैसे इसको परिभाषित किया जाता है। देखो सांद्रता ये उत्पन्न कहां से होती है, मैं फिर से लिख देता हूं यहां पर विलयन के घटक विलेय और इधर लिख दिया मैंने विलायक, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होता है, विलायक की निश्चित मात्रा होती है, विलायक की निश्चित मात्रा होती है और इस सांद्रता को निर्धारित जो करता है, कम ज्यादा जो करता है, उस पर नियंत्रण जो करता है वो होता है विलेय पदार्थ, क्या होता है, विलेय पदार्थ, ठीक है। तो यहां पर विलायक की निश्चित मात्रा में जो विलेय प्रेजेंट होता है उसी से डेफिनेशन निकल के आती है, तो परिभाषा हो जाएगी विलेय की वह मात्रा जो निश्चित मात्रा के विलायक में या विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई होती है सांद्रता कहलाती है, क्या कहलाती है, सांद्रता, ठीक है। तो अभी हम लिख देते हैं डेफिनेशन, विलेय की या विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित आयतन या निश्चित मात्रा के विलायक में, विलायक में घुली हुई होती है सांद्रता कहलाती है,
सांद्रता कहलाती है। क्लियर है? डेफिनेशन एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित मात्रा या आप आयतन कह सकते हो के विलायक में घुली हुई होती है सांद्रता कहलाती है। क्लियर है? ये सांद्रता कहलाती है, यानी कि सांद्रता जो है वो डिपेंड करती है विलेय की मात्रा पर, जो कि एक निश्चित आयतन में घुली हुई होती है या निश्चित मात्रा में विलायक के अंदर घुली हुई होती है। यानी विलायक का आयतन कुल मिलाकर यहां पर क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है? अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सांद्रता किस तरह से विलेय और विलायक में संबंध दर्शा रही है। देखो, मैंने यहां पर एक ग्लास ले लिया और ये दूसरा ग्लास ले लिया, ठीक है? इसमें विलायक भर दिया, ठीक है, और यहां भी विलायक भर दिया। अब मैंने कहा कि इस पहला जो अपना ग्लास है या बीकर है, इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर हमने यहां पर 10 ग्राम NaCl डाल दिया। क्या डाल दिया? 10 ग्राम NaCl डाल दिया फर्स्ट बीकर या ग्लास के अंदर। घुल गया, इसमें घुल जाएगा, नमक का जलीय विलयन बन जाएगा, NaCl का बन जाएगा। दूसरे में क्या किया हमने, यहां पर 70 ग्राम NaCl डाल दिया। क्या कर दिया? 70 ग्राम NaCl इसके अंदर डाल दिया दूसरे वाले में, ये ए और ये बी। तो किसमें गाढ़ापन ज्यादा होगा, या हम ये कह सकते हैं कि किसकी सांद्रता ज्यादा होगी, 10 ग्राम वाले की या 70 ग्राम वाले की? तो सीधी सी बात है, 70 ग्राम NaCl जिसमें घुला हुआ है बीकर या ग्लास में, उसकी सांद्रता ज्यादा होगी, उसकी जो श्यानता है वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर विलेय की मात्रा ज्यादा है। ठीक है? तो कहने का मतलब विलयन की जो सांद्रता है उसको कौन कम ज्यादा कर रहा है? विलेय पदार्थ। कौन कर रहा है? विलेय पदार्थ। यहां पर 10 ग्राम है, इसकी अलग सांद्रता होगी, कुछ सांद्रता होगी। यहां पर 70 ग्राम डाल दिया तो यहां पर कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगी, कुछ और सांद्रता आ जाएगी। ठीक है? तो इस तरह से हम सांद्रता को डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि सांद्रता किस तरह से उत्पन्न होती है और किस तरह से प्रभावित होती है। 10 ग्राम की कम सांद्रता होगी और 70 ग्राम NaCl वाला जो बीकर है उसमें जो विलयन भरा है उसकी सांद्रता ज्यादा होगी। ठीक है? तो हमने डेफिनेशन निकाल चुके हैं, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित मात्रा, या आप यहाँ पे आयतन लिख सकते हो, के विलायक में घुली हुई होती है या उपस्थित होती है सांद्रता कहलाती है। ठीक है? सबको क्लियर है? अब देखो, सांद्रता हमने यहाँ पे निकाल ली। अब सांद्रता के बाद क्या है, अवस्था के आधार पर कुछ विलयन के प्रकार हैं। ठीक है? तो हम उनको देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से प्रकार हैं जिनको अवस्था के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। देखो, अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, तो मेन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ठोस विलयन, दूसरा जो टाइप होता है वो हमारा होता है द्रव विलयन, और तीसरा जो होता है वो हमारे पास होता है गैसीय विलयन। अब देखो, ये तीनों प्रकार जो हैं इसके अंदर वापस से फिर से वही विलेय विलायक आएगा, विलयन की बात की जा रही है, तो विलेय और इधर हो जाएगा विलायक। अब देखो, इसमें क्या होगा, ठोस विलयन है तो सीधी सी बात है विलायक क्या होगा, ठोस होगा। क्या होगा? ठोस होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ठोस, ठोस और ये ठोस। ठीक है? ये ध्यान रखना है, विलायक ऑलवेज ठोस होगा, जिस प्रकार का विलयन है वो ही लेगा।
अब यहां पर क्या है, हम ले लेंगे यहां पर ठोस, एक बार ठोस आ गया, एक बार द्रव आ गया और एक बार गैस आ गया। तो ठोस का ठोस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन और गैस का ठोस में विलयन, यानी कि ये तो क्या होंगे, कम मात्रा में होंगे और ये क्या होंगे, अधिक मात्रा में होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से द्रव में हो जाएगा, विलायक में तीनों द्रव हो जाएंगे और यहां पर ठोस, द्रव, गैस हो जाएगा। इसी तरह से गैसीय में हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट इसमें लास्ट ये देख लेते हैं कि इन तीनों प्रकार के विलयनों से टोटल कितने प्रकार के तंत्र या विलयनों का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम ये और देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहां पर लेते हैं देखो सबसे पहला हमारा होता है यहां पर ठोस के आधार पर हम लेते हैं, तो यहां पर मैंने लिख दिया विले और यहां पर हो गया विलायक। ठीक है, सबको पता है ये कम होगा और ये वाला क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम चलते हैं। सबसे पहला हमने जैसे यहां पर ले लिया ठोस का, ले लिया ठोस, फिर ठोस और फिर ठोस। अब इधर हमने ले लिया ठोस, इधर ले लिया द्रव और ये ले लिया गैस। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स की बात भी साथ के साथ कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है ठोस का ठोस में विलयन, यानी कि ये एक ठोस जो है ये कम मात्रा में होगा और दूसरा जो है अधिक मात्रा में होगा, यानी कि जो सभी मिश्र धातुएं होती हैं, सभी मिश्र धातु। ठीक है, दूसरा है द्रव का ठोस में, द्रव कम है ठोस ज्यादा है, तो द्रव कम है और ठोस ज्यादा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि आपका जो अमलगम होते हैं, यानी कि हमने कह दिया यहां पर ZnHg, जिंक अधिक मात्रा में है, मरकरी कम मात्रा में है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आप ले सकते हो इसके अलावा सोडियम अमलगम NaHg। ठीक है, ठोस ज्यादा होगा और द्रव जो है वो कम होगा। तीसरा है गैस का ठोस में, यानी कि गैस कम है और ठोस ज्यादा है, तो हम यहां पर लिख देंगे जैसे अपन देखते हैं कैटेलाइटिक रिएक्शन के अंदर प्लेटिनम की सतह पर H2 अधिशोषित है, PD की सतह पर H2 अधिशोषित है और एक एग्जांपल आप ले सकते हो Ni की सतह पर H2 अधिशोषित, यानी प्लेटिनम धातु ठोस ज्यादा है गैस कम है, ठोस ज्यादा है गैस कम है, तीनों एग्जाम्पल्स के हो गए। इस तरह से तीन प्रकार हो गए हमारे। चौथा जो प्रकार है उसमें हम नेक्स्ट चलते हैं, ठोस के बाद द्रव आएगा, द्रव्य विलयन, द्रव यहां पर भी द्रव और यहां पर भी द्रव। अब इधर तीनों आ जाएंगी ठोस, द्रव और ये गैस। ठोस का द्रव में, यानी ठोस कम है द्रव ज्यादा है, ठोस कम है द्रव ज्यादा है, यानी ये विलेय ये विलायक है तो द्रव ज्यादा है और ठोस कम है, तो हम इसके अंदर क्या ले लेंगे, अपन कह सकते हैं यहां पर नमक का जलीय विलयन या शक्कर का जलीय विलयन। ठीक है, द्रव ज्यादा है और ठोस कम है। द्रव का द्रव में हम यहां पर ले लेंगे, द्रव का द्रव में अल्कोहल प्लस वाटर प्लस वाटर। ठीक है, द्रव का द्रव में हो गया। गैस का द्रव में, यानी द्रव ज्यादा है और गैस कम है, अपन कह सकते हैं सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं, सोडा वाटर में CO2 घुली, CO2 गैस, यानी गैस कम है और द्रव ज्यादा है। और लास्ट हम यहां पर देख लेते हैं सात, आठ और नौ, लास्ट बच गया है गैस, 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 तीनों जगह गैस होगा विलायक की जगह, और यहां पर वापस से ठोस, ये द्रव और ये गैस। तो देखो ठोस कम है गैस ज्यादा है, ठोस का गैस में विलयन, इसके एग्जाम्पल की बात करें गैस ज्यादा है ठोस कम है, धुआं क्या
हो जाएगा? धुआं। धुआं के अंदर क्या है? कार्बन पार्टिकल्स ठोस अवस्था में होते हैं, कार्बन के जो कण हैं वो ठोस रूप में होते हैं गैस के अंदर। द्रव का गैस में विलयन, यानी द्रव कम है और गैस ज्यादा है। अपन देखते हैं इसका एग्जाम्पल कोहरा, क्या हो जाएगा? कोहरा, धुंध जो पड़ती है ना उसके अंदर क्या है, गैस ज्यादा होती है और छोटी छोटी पानी की बूंदें द्रव के रूप में उसमें उपस्थित होती हैं। और लास्ट एंड फाइनल हम आ चुके हैं गैस का गैस में, इसमें हम कह देंगे वायुमंडलीय गैसों का मिश्रण। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये हमारा था विलयनों का प्रकार।